الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية الصوم لي وأنا أجزى به وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों ये मुबारक घड़ियां हैं जिसमें अल्लाह ताला हमारी मगफिरत के फैसले फरमाते हैं। 11 महीने हुकुम उदूलियों में अल्लाह की नाफरमानियों में गुनाहों की कसरत में अल्लाह से दूरी में अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने में नबी के तरीक़ों को छोड़ने में गुजारे। अल्लाह ताला ने ये माह मुबारक देकर हमारी इन सारी खताओं और लग्जिशों और नमक हरामियों और अल्लाह ताला के साथ जो बगावतें हमने की हैं अल्लाह को प्यार आने की वजह से ये महीना हमें अता फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला को अपने बंदों को माफ़ करना ना होता और जहन्नम में जलाना होता तो रमज़ान का महीना अता ना फरमाते। तो गोया कि रमज़ान का महीना ये माह गुफरान है, हमारी बख्शिश का सामान लेकर आया है, हमारी खताओं लग्जिशों को माफ़ी का सामान लेकर आया है। इसीलिए इतने बड़े आमाल अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक में हमें अता फरमाए। रमज़ान किसको कहते हैं? रमज़ा यरमज़ के माना आते हैं जल जाना। जो गुनाह 11 महीने बंदा नादानी में शैतान के तलब्बुस की वजह से करता है अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में रोज़ों की बरकत से कि रोज़ाना थोड़े थोड़े गुनाहों को बंदे के जला देते हैं कि जब रोज़ा रहता है रोज़े में बंदे को भूख की शिद्दत प्यास की शिद्दत महसूस होती है तो उस शिद्दत और गर्मी जो पेट में एक बेचैनी महसूस होती है उस गर्मी में अल्लाह ताला 11 महीने के गुनाहों में से कुछ गुनाहों को डालकर जला देते हैं। रमज़ान का आखिर दिन होता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को जलाकर ख़त्म कर देते हैं। तो रमज़ान का महीना आता है ये गुनाहों को जलाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमें रोज़े फ़र्ज किए, जैसे कि कुरान पाक की आयत पढ़ी गई या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, ईमान वालों, ये जो लफ्ज़ है ये बड़ा प्यारा लफ्ज़ है। जैसे बाप अपने बेटे को जिससे मोहब्बत भी है और वो बेटा फरमाबरदार भी है तो बाप अपने बेटे को मोहब्बत में नाम लेकर नहीं पुकारता, बेटे कहकर पुकारता है, ए मेरे बेटे इधर आओ। तो ये मोहब्बत वाला जुमला होता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को बंदे कहकर पुकारते थे, पुकार सकते थे, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को कहकर पुकारा है।
या अय्युहल लदीना आमनू, ऐ मेरे फरमाबरदार बंदो, इताअत गुजार बंदो, मुझे मानने वाले बंदो। अब कोई बाप अपने बेटे को ताबेदार कहे, फरमाबरदार कहे, अब वो बेटे की शान ये है कि बाप की फरमाबरदारी ना करे, बाप की हुकुमदूली ना करे, बाप के साथ नमक हरामी ना करे। तो इसी तरीके से ईमान वाला जब कहकर पुकारा जाता है, तब ईमान वाले का काम ये है कि अल्लाह की फरमाबरदारी करे, अल्लाह की नाफरमानी ना करे। अब वो अल्लाह कह रहे हैं कि मेरा फरमाबरदार है, तो कितना बेगैरत होगा जो अल्लाह कह रहे हैं फरमाबरदार, फिर ये अपने आप को नाफरमानों में शुमार करा रहा है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, या अय्युहल लदीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। और ये तुम पर रोजे का फर्ज करना ये न खाने की कमी की वजह से है, ना तुम्हें सजा के तौर पर दिया गया है। क्यों दिया गया है? आगे अल्लाह फरमाते हैं, कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, इससे पहले तुमसे पहले जो कौमें आई थी, जितने भी लोग दुनिया में आए, सब पर रोजे फर्ज किए गए थे, रोजों की फर्जियत और उनके लिए रोजों का तरीका, रोजे कितने, ये अलग अहकाम थे। लेकिन इस महीने हम रमजान, हम मुसलमानों को एक महीने की तरबियत का कोर्स दिया कि ये कोर्स है, ये कोर्स हमको करना है। तो कोर्स के जरिए में क्या कैफियत पैदा होगी? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारी जिंदगी के अंदर तकवा पैदा हो जाए। 11 महीने हमने अल्लाह की नाफरमानी के साथ जिंदगी गुजारी, अल्लाह के हुक्मों को छोड़कर गुजारी, तकवे के खिलाफ गुजारी। अब अल्लाह ताला इस भूखे प्यास को भूखे प्यासे रखवा कर एक तरबियती कोर्स अल्लाह ने रखा है। जैसे बीमार होता है तो आदमी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर एक कोर्स देता है, भाई ये 15 दिन गोली खाओ, एक महीना खाओ, आपकी सेहत इससे क्या होगी, सेहत में तब्दीली आएगी। तो ये गोलियों का खाना उसकी सेहत का जामिन बनता है। इसी तरीके से अल्लाह तो अल्लाह ताला रोजे रखवा कर हमारी गुनाहों की जो बीमारी है, उस बीमारी से हमको नजात दिलाना चाहते हैं और हमारी जिंदगी के अंदर तकवे को पैदा करवाना चाहते हैं। कि रोजे के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि रमजान का महीना आता है, इजा दखल रमजान, जब रमजान का महीना दाखिल हो जाता है, फुतिहत अबवाबुल जन्ना, अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजों को खोलते हैं, गुल्लिखत अबवाबुल नार, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देते हैं, वसिलसलतुश्शयातीन, शयातीन को कैद करवा देते हैं। तो अल्लाह ताला एक निज़ाम चला रहे हैं कि जहन्नम को बंद किया गया, जन्नत को खोला गया, शैतान जो बंदों के गुनाहों को गुनाहों में मुलव्विस करते हैं, उनको कैद करवा दिया, ताकि इस महीने के अंदर बंदे नेकी की तरफ चले, अल्लाह के हुक्म की तरफ चले। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, अल्लाह ताला का ये खुफिया माहिदा बंदे के साथ, ऐ मेरे बंदे, अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद अता करूँगा। अल्लाह ताला खुद अपने हाथों से, इसलिए उलमा ने फरमाया हर अमल का सवाब फरिश्ते लिखते हैं, लेकिन रोजे का सवाब खुद अल्लाह अता फरमाएंगे। और एक रिवायत में यूं फरमाया, अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही, कि ऐ मेरे बंदे, रोजे और रोजा मेरे लिए है और रोजे के बदले में मैं अपने आप को बंदे के हवाले कर देता हूँ। हमारी क्या हैसियत और हकीकत है और अल्लाह की कितनी बड़ी शान है, अल्लाह खुद अपने बंदे के हवाले कर रहे हैं कि मेरे बंदे, तू जो मर्जी तेरी होगी वो मैं तेरी मर्जी को पूरा करूँगा। जैसे कि हारून रशीद के ज़माने में हारून रशीद खुश होकर अपने दरबार में बैठा हुआ था, उसने अपने दरबानों और बांदियों में ये आवाज़ लगाई, निदा लगाई कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो तुम में मौजूद है, जिस महल के अंदर जितने साजो सामान हैं, हीरे मोती जवाहरात हैं, जो जिस पे हाथ रखे वो उसका है। मुख्तलिफ कनीज़ों ने, बांदियों ने, खादिमों ने जो कीमती चीज़ें नज़र आई, किसी ने हीरे पर, किसी ने सोने चांदी पर, किसी ने महल की कीमती चीज़ों पर हाथ रखा। अब एक बांदी बादशाह को पंखा झेल रही थी, अब उसने बादशाह के सर पे हाथ रख दिया,
तो हारून रशीद मुस्कुराए, कहा कि खजाना वहां भरा पड़ा है, मेरे पास क्या है, मैं तो खाली बैठा हूँ। तो बांदी की अकलमंदी और होशियारी देखे, वो कहने लगी बादशाह सलामत ये जो कुछ रखा है ये थोड़ा है, अगर मैंने आपके सर पे हाथ रखा कि अगर आप मेरे हो गए तो सारी सल्तनत मेरी है। ये अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि मैं अपने आप को बंदे के हवाले कर देता हूँ। तो अल्लाह ताला के पास जो कुछ खजाने हैं वो सारे के सारे बंदे के हैं। वो किस पे मिल रहा है? रोजे के रखने पर मिल रहा है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैका बिस्सौम, तुम पर रोजा फर्ज करार दिया गया है, फइन्नहु ला मिस्ला ला, इस जैसी कोई इबादत नहीं हो सकती। ये ऐसी इबादत है कि रोजेदार जब रोजा रखता है वो एक इबादत नहीं करता, बहुत सी इबादतों को जमा करता है। रोजेदार को जिक्र की तौफीक मिलती है, कुरान की तिलावत की तौफीक मिल जाती है, नमाजों की तौफीक मिल जाती है, बहुत से आमाल रोजे की बरकत से। तो रोजा दरवाजा है नेकियों के करने का, रोजेदार को बहुत से नेकियों के करने का करने की तौफीक मिल जाती है। फरमाए ये बेरिया इबादत है, हर इबादत के अंदर रिया दाखिल हो सकती है, नामो नमो दाखिल हो सकते हैं, लेकिन रोजे के अंदर रिया दिखावा दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये मामला बंदे और अल्लाह के दरमियान है। जिंदगी भर शराब पीने वाला रमजान में कुल्ली करते हुए एक पानी का खतरा हलक से नहीं उतारता। पूछे उससे क्यों हलक से नहीं उतार रहा है, वो कहेगा मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। क्या अल्लाह 11 महीने तुझे नहीं देखा तू शराब पीता रहा, 11 महीने तुझे नहीं देखा तू सूद खाता रहा, रिश्वत खाता रहा, लेकिन रमजान में रोजा रख लिया तो कैफियत बदल गई कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो रोजा वो कैफियत का नाम है कि अल्लाह से ताल्लुक बंदे का जुड़ जाता है। इसीलिए रोजे को रोजा बनाना है कि रोजे के नूर को, रोजे की रूहानियत को जिंदगी के अंदर पैदा करना। अल्लाह ताला को भूखा प्यासा रखवाना मकसूद नहीं है कि हमें भूखा प्यासा रखने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं। अल्लाह हमारी तरबियत करना चाहते हैं कि हमारी तरबियत हो जाए, अल्लाह के मानने वाले हम बन जाए। अल्लाह ताला रमजान में हलाल छुड़वा रहे हैं कि खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी से ख्वाहिश को पूरी करना ये भी हलाल है, लेकिन अल्लाह ताला रमजान में हलाल चीजों को छुड़वा कर गैर रमजान में हराम को छुड़वाने की मश करवा रहे हैं कि मेरा बंदा रमजान में हलाल को छोड़ेगा तो 11 महीने हराम को छोड़ने वाला बनेगा। एक तरबियत कि 11 महीने हराम खाए, हराम पिए, आंखों से बदनिगाही की, जो है अल्लाह ताला एक तरबियत का निजाम चलाए कि इसमें हलाल चीजों को छुड़वा कर जो है हराम को छुड़वाने की मश्क करवाई जा रही है। मिसाल के तौर पर कि हराम को छुड़वाना ये हलाल को छुड़वा कर अल्लाह ताला हराम को छुड़वाने की मश्क करवा रहे हैं। वो उसकी मिसाल ऐसी है कि एक पेपर है, आप उसको मोड़ दिए, अब वो फोल्ड हो गया, अब वो फोल्ड हो गया, उसको सीधा करने से वो सीधा नहीं होगा बल्कि उसको मुखालिफ सिमत में फोल्ड करना पड़ेगा, उसको पलटा के आप मोड़ेंगे तो वो सीधा होगा। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला हराम के अंदर मुब्तला है, उसको बार बार उसको खोलेंगे तो वो सीधा नहीं होगा। तो उसकी तरतीब ये बनाई कि हराम को हलाल को छुड़वाया है, जब हलाल को छुड़वाएंगे तो हराम को छोड़ने की मश्क पैदा हो जाएगी। तो ये कैफियत अल्लाह ताला रोजे के जरिए से हमारी जिंदगी के अंदर पैदा करवाना चाहते हैं, इसीलिए हलाल चीजों को छुड़वाया ताकि हराम चीजों को छोड़ने की हमारे अंदर ताकत पैदा हो जाए। कोई हमारा दोस्त मोहब्बत करने वाला हज को गया, उम्रे को गया, अब वहां से खाली जमजम लेकर आया, अजवा खजूर मदीने की लेकर आया, अब वो दिन के वक्त में रोजा है, लाके कह रहा है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में ये जमजम का पानी लाया है, खाली से ये खतरा नहीं मिला हुआ है, और ये खजूर मदीने नबी के शहर की खजूर है, मदीने की खजूर है, और ये अजवा खजूर है, बेहतरीन खजूर है, ये खाओ और ये जमजम का पानी पियो। तो अब ये कह रहा है कि भाई मैं रोजा हूँ, अब मैं नहीं खा सकता। तो कह रहा है कि भी मेरी मोहब्बत में खाओ, नहीं भाई मैं अल्लाह की मोहब्बत में रोजा रहा हूँ, अब मैं ये हलाल चीजें हैं, मदीने की खजूर है, पाकीजा खजूर है, और आबे जमजम का पाकीजा पानी है, लेकिन अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, मैं तुम्हारी मोहब्बत में इस खजूर को खा नहीं सकता, पानी को पी नहीं सकता। तो ये एक मश्क हो रही है फिर रमजान में, पर मैं हकीकी माना में रोजा इसका नाम है कि आदमी के अंदर हराम को छोड़ने की कैफियत पैदा हो जाए।
रमजान में हलाल छोड़ रहे हैं लेकिन जो है रमजान के अंदर ही हराम नहीं छोड़ रहे। रमजान में अपनी बीवी से ख्वाहिश का पूरा करना हराम कर दिया गया लेकिन इन आंखों से हम दूसरों की माँ बेटियों को घूर रहे हैं, ये कितना बड़ा गुनाह है। ये हलाल छोड़ रहे हैं लेकिन हराम को छोड़ने की तौफीक नहीं हुई। रमजान में हम हराम हलाल खाने से रुक रहे हैं, पानी हलाल है, खाना हलाल है लेकिन सूद फिर भी रमजान में खा रहे हैं। फिर रमजान के अंदर दूसरे के माल पे डाके डाल रहे हैं, कमाई के अंदर नापतोल में कमी कर रहे हैं, रिश्वत लेते हुए हाथ नहीं कांप रहे, रमजान में सूद लेते हुए हाथ नहीं कांप रहे, खाने पीने से रुक रहे हैं लेकिन हराम से हम नहीं रुक रहे। तो फिर रोजा भी क्या रोजा हुआ? उलमा ने लिखा है रोजा तो हो जाएगा लेकिन रोजे का सवाब नहीं मिलेगा, रोजे की जो अनवारात है उसको नहीं मिल सकती। तो फरमाएं कि हराम को रमजान में हलाल को छोड़ रहे हैं तो हराम को भी छोड़ना, गीबत को छोड़ना, बदनजरी को छोड़ना, गाली गलौज से छोड़ना, दूसरे से लड़ने झगड़ने से छोड़ना, लड़ने झगड़ने को छोड़ना। इसीलिए हदीस में आया है कि महीना सबर का महीना है, कोई लड़ने पे आ जाए तो तुम कहो कि मैं रोजे से हूं, समझाओ कि भाई रमजान का महीना रोजा है, रोजे से है, रोजे में झगड़ना नहीं। अगर वो नहीं समझ रहा तो कहो कि भाई मैं रोजे से हूँ। तो रोजे रमजान में क्या करना है? सबर, सबर का दामन थामना है, आमाल को पूछ पूछ करना है, उलमा से मशवरा करना है कि रोजा किन चीजों से टूटता है, रोजे के मकरूहात क्या है, रोजे के मुफसिदात क्या है, सहरी कब तक करना है, इफ्तार कब करना है, सही रमजान में रोजे में किन किन चीजों से रोजा टूटता है, किन किन चीजों से रोजा मकरूह होता है, ये सारे चीजें मालूम करना है, मालूम करके रोजे को पूरा करना है ताकि सही माना में हमें जो है रोजे की अनवारात और उसके बरकत हमें मिल जाए। अल्लाह ताला हमें सही माना में रमजान को गुजारने और रमजान की अनवारात को अपनी जिंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।